मूंगफली की चिक्की तो आप लोगों ने बहुत खाई होगी, लेकिन क्या आपको पता है इस चिक्की को बनाया कैसे जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो में आज आपको हम दिखाएंगे इसको बनाया कैसे जाता है। तो ये है हमारी सर्दियों की बहुत ही खास मिठाई, जिसको बनाने के लिए की जाती है काफी ज्यादा मेहनत। तो चलिए गाइज, हम आपको दिखाते हैं इस चिक्की को बनाया कैसे जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइज, मजा आ जाएगा। तो चिक्की बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले ले ली गई है मूंगफली। तो ये यहाँ पर 50 किलो मूंगफली है। यहाँ पर जो चिक्की बनाई जाती है वो बल्क में बनाई जाती है, और ये आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बड़ी भट्टी है। इतनी बड़ी है कि यहाँ पर आदमी को भी आप देख सकते हैं कितना छोटा नजर आ रहा है। तो अब हमारी भुनी हुई मूंगफली को इधर लाया जाएगा और यहाँ पर इसको छांटा जाएगा। जो हमारी मूंगफली खराब होगी उसको निकाल दिया जाएगा, और जो अच्छी होंगी उसको रख दिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ से मूंगफली को ले जाया जाएगा और इसको मशीन में डाला जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर इसके छिलके उतारे जाएंगे। मशीन में इसलिए छीला जाएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो बनाए जाते हैं पट्टियाँ, हमारे 50 से 60 किलो एक साथ बनाए जाते हैं। और दूसरे साइड यहाँ पर गुड़ की चाशनी तैयार की जा रही है। इसको यहाँ पर कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसी तरह से भुना जाएगा, जब तक ये पूरी तरह से फ्लफी ना हो जाए। और गाइस, हम आपको बता दें, यहाँ पर भैया जी की पूरी फैमिली मिलके इस काम को करती है। तो पहले इनकी मम्मी जी करती थी, अब यहाँ पर भैया जी इसको बनाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमारे 20 से 25 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। अब इसको यहाँ से उतारा जाएगा और आप देख सकते हैं हमारी चाशनी कितनी ज्यादा यहाँ पर खोल रही है। तो यहाँ पर उतारने के बाद इसको भैया थोड़ी देर चला के इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा लावा, और लावा डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे मीठा सोडा। मीठा सोडा इसलिए डाला जाएगा ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो गाइस, अब इसमें डाला जा रहा है मीठा सोडा, और इसको यहाँ पर डालने के बाद अच्छे से चलाया जाएगा। और जैसे जैसे इसको चलाया जाएगा वैसे वैसे इसका कलर जो है लाइट होता जाएगा। तो गाइज, यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया गया है, और मिक्स करने के बाद इसको यहाँ पर मूंगफली पे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मूंगफली को बिछाई जा रही है, और बिछाने के बाद इसके ऊपर डाले जाएंगे हमारे गुड़ की चाशनी को। तो गाइस, अब यहाँ पर चाशनी डाली जा रही है, और अब इसको यहाँ पर फैलाया जाएगा अच्छी तरह से, जब तक इसकी एक पतली सी लेयर बन के तैयार ना हो जाए। इसको इसी तरह से यहाँ पर चलाया जाएगा। तो गाइज, अब इसकी लेयर को पतला करने के लिए यहाँ पर बेलन का यूज किया जाएगा, और बेलन से इसको अच्छी तरह से दबाया जाएगा ताकि ये पतला हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए सुखाया जाएगा, और सुखाने के बाद फिर यहाँ पर इसको हटा दिया जाएगा, तब जाके हमारी यहाँ पर चिक्की बन के रेडी हो जाएगी। तो गाइज, यहाँ पर हमारी चिक्की बनके रेडी हो गई है, और आप देख सकते हैं इसको भैया कितनी स्मूथ तरह से उठा के रखेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं टूटने वाली है। और इसके बाद ये पूरी तरह से रेडी नहीं है, इसको यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए सुखाया जाएगा, और उसके बाद इसको तोड़कर सेल किया जाएगा। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साथ बहुत सारी चिक्कियां रेडी की गई हैं। तो यहाँ पर लगातार ऐसे ही चिक्की बनती रहती है और सेल होती रहती है। तो गाइज, आप देख सकते हैं हमारी चिक्की बनके यहाँ पर रेडी हो गई है, अब इसको यहाँ पर सेल किया जाएगा। तो गाइज, आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।